हे दे बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पर आज हम लोग चालू करने वाले भाई पोकन प्लैटिनम वर्जन। बहुत मजा आने वाला है हमेशा की तरह, और इस बार हम लोग ने इसको रैंडमाइज किया हुआ है। तो रैंडमाइज में क्या क्या रैंडमाइज किया वो तो मैं तुम लोगों को बता ही दूंगा। उससे पहले एक बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, मैंने काफ़ी सारे सजेशन सुने थे तुम लोगों से इस गेम को जब मैं चालू करने वाला था तब, और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि हाँ भाई खेलो। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि यार इसको रैंडमाइज करके खेलो, खेल रहे हो तो, क्योंकि हम लोग पहले भी खेल चुके हैं। तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को मिलाया और मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि इस सीरीज़ को मैं पूरा ऐसा ना रखूँ कि तुम्हें सारी चीज़ें दिखाऊँ, जो बेस्ट पार्ट्स हैं मैं तुम्हें वही सब दिखाऊँगा। तुम लोग को पूरे टाइम परेशान नहीं करूँगा गेम में, ठीक है? पूरी फुल टू सीरीज़ टाइप की नहीं होने वाली, जो बेस्ट बेस्ट पार्ट्स हैं उनका कंपाइलेशन टाइप का तुम्हें लगेगा ये। सो आई होप यू लाइक इट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई समथिंग लाइक दैट। और पहले एपिसोड में ही हम लोग ऑलमोस्ट लाइक टाउन तक पहुंच जाएंगे, आई गेस उससे ज़्यादा आगे तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि मैं काफ़ी सारा कट्स करने वाला हूं, बीच बीच के काफ़ी सारी चीज़ें उड़ाने वाला हूं। सो दिस इज़ जस्ट अ हेड्स अप। और हमेशा की तरह हम अपना नाम रखने वाले हैं ऋषभ। तो मैंने रैंडमाइज की हुई हैं चीज़ें वो बता देता हूँ चलो तुम लोग को। वेट अ सेकंड, लेट मी टाइप माई नेम। भाई नेम भी सही से नहीं डाल पा रहा मैं। ओके, नाम सही से डालने के बाद बताया जाए रैंडमाइज क्या क्या किया गया है। तो भाई एक तो स्टार्टर तो हुए ही रैंडमाइज्ड, ठीक है? स्टार्टर तो अपने को पता नहीं क्या है, ऊपर से वाइल्ड पोकन तो है ही रैंडमाइज, पर उसमें मैंने एक चीज़ करी है कि टोटली रैंडमाइज नहीं है, शायद मैंने यही किया था। टोटली रैंडमाइज नहीं होंगे वाइल्ड पोकेमॉन, लाइक रैंडमाइज होंगे पर एक बैच ऑफ पोकेमॉन होंगे एक एरिया में। तो फिर इसका नाम वैसे बैरी रखूँगा, मुझे बैरी बहुत अच्छा लगता है, इसके पूरे लुक पर सूट करता है, तो उसका नाम बैरी रखते हैं। मतलब जैसे कि ये है ना कि तुम किसी एरिया में जाते हो पोकन वर्ल्ड में, तो वहाँ पे कुछ सेट नंबर ऑफ पोकन आते हैं, सेट पोकन आते हैं कुछ। जैसे एक जगह पे जहाँ पर रूकीडिया आता है, तो भाई रूकीडिया आएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अचानक से आरसीएस आ जाएगा। वैसे ही इसमें मैंने किया हुआ है, पोकन रैंडम आएंगे बट कुछ चार पाँच सिलेक्टेड ही आएंगे वहाँ पर, तो ऐसा रहेगा। या शायद मैंने हो सकता है मुझे नहीं पता कि बाद में उसको चेंज कर दिया उस चीज़ को, किसी से सजेशन लेके कोई मेरे को बता रहा था कि नहीं भाई वही वाला कर, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो पता नहीं। पोकेमॉन अब आई आर साइड ऑलवेज, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। दैट वॉज द कॉमेंट लेफ्ट बाय प्रोफेसर रोवन, हु हैज रिटर्न टू सिनो फ्रॉम कैंटो रीजन। ओ वाओ, नाइस, कैंटो रीजन से वापस आया। ये हम पोकेमॉन प्लैटिनम खेल रहे हैं, पोकेमॉन डायमंड पर्ल में कोई लेक ऑफ रेज की बात होती है जहाँ पर रेड गैरोडोस रहता है। तो एक साल बीत चुका, एक साल बाद आया था ये गेम, तो एक साल बाद की कहानी है, एक या दो साल बाद की। ए बैरी भैया की करता भाई की करता, हाँ हाँ हमें पता है प्रोफेसर बुला रहे हैं। का भैया न्यू पीसी, अरे हाँ यार यहाँ से पोशन निकाल देते हैं यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ यार, हमेशा 10 मिलियन की बैट लगा रहे हैं मेरे से, कौन पहले पहुँचेगा। अच्छा बेटा रुको, पोशन नहीं है हमारे पास यार, उल्लू बना दिया यार, पोशन तो है ही नहीं है भाई पोशन। और मम्मी जी सुबह सुबह क्या हाल चाल, चाय वाय बनाओ थोड़ा सा, हम आते हैं जरा प्रोफेसर से मिलके हैं। एंड या बाय द वे, उसके अलावा मैंने टीएम्स और एचएम्स थोड़े बहुत रैंडमाइज किए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पोकन होते हैं जो कुछ मूव्स नहीं सीख पाते, और अगर हमें वैसे वाले पोकन नहीं मिले जो एचएम सीख पाए जैसे सर्फ, तो फिर भाई हमारा क्या होगा। तो मैंने ऐसा किया है कि एचएम कोई भी सीख जाएगा, भाई करना पड़ा यार मेरे, मैं क्या कर सकता हूँ, पर मतलब कोई भी का मतलब ये है कि कोई भी वाटर टाइप सीख जाएगा अगर सर्फ होगा, तो फ्लाइंग टाइप कोई भी सीख जाएगा, फ्लाई ऐसा टाइप का है मतलब। What was that about? Oh hey Rishabh, hey I'm going to see Professor Rowan. You should come too and quickly. भाई तू कुछ भूल रहा है मेरे को लग रहा है, हाँ कुछ भूल रहा था ये, मेरे को पता है भाई इसका क्या सिस्टम है। और आंटी जी कैसी हैं आप, कल तो आपका नाम भूल गया था स्कूल में, ये हमको याद दिलाना पड़ा इसको, टीचर को अपनी मम्मी बुलाने लगा था ये। भाई ये 10 मिलियन तुम लाओगे कहाँ से, तुम अगर हार गए तो, इतनी शर्तें लगाई जा रही है। बाकी जो भी रैंडमाइज किया वो सब तो मैं सीरीज चलते चलते पता चल जाएगा, मुझे तो ये देखना स्टार्टर क्या मिलेगा भाई, दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट अबाउट रैंडमाइजर्स। और भैया पहुंच गया, अच्छा कर लिया। तो एक तो यार मेरे को ऐसे जूते भी नहीं दिए मम्मी ने यार, कतई कंजूस हो रखी है मम्मी, ये जूते नहीं दिला सकती मेरे को क्या। भैया मैं नहीं जा रहा घास वास में, मेरे को घास में जाने को बोल रहा है ये। अरे होल्ड इट, कौन चिल्ला रहा है भाई हम पे, अरे तो अंकल हैं टीवी वाले। हाँ हमको पता तो है कि पोकेमॉन के साथ जाना चाहिए, पर अभी क्या करें हमारे पास है नहीं ना यार, हम भी गरीब बच्चे रहे। अरे 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 डॉन दीदी जी क्या कर रही हैं आप, हैं ऐसे बच के कहाँ से आ गई हैं आप, हैं
क्या बात है, मेरे को अभी तक यही लगता है कि डॉन जो है ना वो बेस्ट मैच है भाई ऐश के लिए सच में, क्योंकि डॉन को प्यार हुआ था ऐश से और ऐश को भी शायद थोड़ा सा अट्रैक्शन था उससे, आई डोंट नो, बट लाइक आई लाइक डॉन एज अ फीमेल कैरेक्टर इन पोकन सीरीज। देयर इट इज डॉन, नाइस वर्क। चलो भैया पोकन चूज करने का टाइम आ चुका है, देखते हैं जरा हमें क्या मिल सकता है। ठीक है, मेरे को थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर तीनों ही बेकार निकले तो भाई क्या होने वाला है हमारा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। होपफुली तीनों बेकार ना हो यार, तीनों से ज़्यादातर बेकार नहीं होते। मैंकी यहाँ पे टर्टुक दिखा रहा है, पर अगर तुम नीचे पढ़ोगे ना तो दिखा रहा है पिग मंकी पोकन मैंकी, जो कि बेकार है, और होपफुली दोनों भी बेकार ना हो। मैंकी मतलब अगर कुछ बाकी बेकार निकले तो ओम्ब्रियन, ओके दिस इज बेटर, आई मीन आई लाइक ओम्ब्रियन, मैं ले सकता हूँ ओम्ब्रियन को। एंड स्पॉइंक, ओके नॉट द बेस्ट थिंग यू कैन फाइंड, तो आई थिंक आई एम गोना टेक ओम्ब्रियन यार, विदाउट अ डाउट, सोचना भी नहीं पड़ेगा मुझे भाई ओम्ब्रियन यार, मैंने खेला भी नहीं कभी ओम्ब्रियन के साथ, आई गेस तभी मेरे को भगवान ने दिया ओम्ब्रियन। मम्मी जी को बताते जरा जाके हैं कि नहीं तुम्हें जाना है अभी से ही। अच्छा पहले बैटल करोगे हमसे तुम, आ जाओ कोई बात नहीं। इसने क्या लिया होगा जरा ये भी देखें क्या लिया है भाई तूने, बाकी तो दोनों ही बेकार थे वैसे सही बताऊँ तो। मैं स्पॉइंक लिया है इसने भाई, बेकार था भाई स्पॉइंक एकदम बेकार था। अच्छा हमने ली मतलब अच्छा हमें ओम्ब्रियन मिल गई, वरना लेनी पड़ जाती शायद ये स्पॉइंक। स्प्लैश स्प्लैश भाई ये मैजिक का अब से कम है कि पता नहीं क्या, मेरे को समझ नहीं आता स्प्लैश बनाया क्यों गया है। मैजिक काप अभी तक का सबसे बेकार पोकन होता अभी तक, अगर हाइड्रो पंप नहीं सीख रहा होता वो गैलार में, भाई वो हाइड्रो पंप सीख जाता यार, दैट चेंजेस एवरीथिंग। चल पकौड़े कहीं और जाके पुचक पुचक कर, ठीक है यहाँ पे मत करे पागल कहीं का बकायरू। पहली बैटल हम लोग जीत चुके हैं अपनी, ओ लेवल 6 पे पहले ही ऐसे ही पहुँच जाते थे क्या, मुझे पता नहीं था यार पहली बैटल में ही लेवल 6 पे पहुँच जाते थे, दैट्स नाइस दैट इज नाइस। ये ऐसा हो सकता है कि स्पॉइंक को मार के ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता हो, आई डोंट नो, बोथ ऑफ द टू कुछ भी हो सकता है। अरे कड़क चाय मिल गए भाई मम्मी जी से एकदम, क्या बात है, यही तो चाहिए था मम्मी, आपकी जैसी चाय कौन बनाएगा। व्हाट्स द मैटर डियर, कुछ नहीं यार मेरे को थोड़ा कॉफ़ी पसंद आने लगी है मम्मी, यही बात करनी थी। रनिंग शू, अरे अब क्यों दे रही हैं आप मम्मी, अब तो मेरे पैर छिल गए पूरे, अब चलने लायक तो बचा नहीं हूँ, रनिंग शूज़ देने का क्या फ़ायदा है, वैसे ही नहीं दौड़ पाऊँगा मैं, एंड टाइम पे दे रही है मम्मी भी यार, हद करती हैं। एक चीज़ देखनी थी मुझे वैसे यार, हम लोग डायमंड पर्ल में यहाँ पे आते थे ना, मेरे को याद नहीं है गेम इसलिए मेरे को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेक फ्रंट में रहते थे पहले एक, अच्छा लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बात कर रही है, यहाँ पे एक मेस्प्रिट मिलती थी शायद से एजल्फ, पता नहीं यार मुझे, पर एक लेजेंडरी मिलता था और यस ओके अच्छा मैं यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे वरना आने ही वाला था। द फ्लोइंग टाइम द एक्सपेंडिंग स्पेस I will make it all mine one day. Cyrus is my name. Remember it. Until then, sleep while you can. Legendary Pokemon of the lake bed. Oh ho ho. Ganda aadmi hai ye to. Nikal yahan se. Oh bhai gande logo se bachna padega. What was that about? I don't know. Let's catch that legendary Pokemon. Bhai abhi kahan se pakad lega tu legendary Pokemon? Pagal wagal ho rakha hai ki? Eh? Did you hear that, Rishabh? That was the legendary Pokemon crying. This is our chance. Let's catch it. नहीं पकड़ सकते भाई। हाँ Pokeballs ही नहीं पहली बात तो, हाँ सही बात है। Pokeballs ही नहीं, कहाँ से पकड़ेगा तू हाँ? Now there's another exciting part of randomizers कि आखिरकार घास में से निकलेगा क्या? भाई इसमें ये भी देखने बड़ा मजा आता है। क्या है? Chikorita. Okay, this is not bad. Chikorita is not bad. पर अभी हमारे पास Pokeballs नहीं है, तो हम लोग शायद बस मारने का काम ही कर सकते हैं, वो भी ठीक ही है, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाएगी हमारी। हुआ सेकेंड एनकाउंटर, इस बार कुछ अलग। ओह ओके ओके ब्रिलूम इज नॉट दैट बैड। ओह ओके पोकेमॉन का बंदा है, थोड़ा पोशन वोशन दे देगा, थैंक यू बॉय। ए डॉन पोकेबॉल दिला दे यार थोड़ी सी हैं प्लीज। अरे नहीं अभी मत ले जा यार, मेरे को पोकेबॉल दिला दे पहले, क्या ठुट ठुट करता रहता है तो क्या है तेरे को है। चलो भैया ये तो भाग गया, पता नहीं क्या करता रहता है, इधर उधर आता रहता है जाता रहता है, दिमाग ख़राब करता रहता है और कुछ नहीं है। चलो भैया डॉन, ओ सॉरी चलो ब्यूटीफुल लेडी डॉन, वेल वेल लुक हू इज देयर,
मैं प्याला छोटा बच्चा आया हूँ आपसे पोकल चलाने के लिए। यू मेड योर पोकन इवॉल्व ऑलरेडी? व्हाट? वेट अ सेकेंड, आई हैव ओम्ब्रियन ना। हाँ, तो ओम्ब्रियन तो इवॉल्व वर्जन ही होता है। हाँ ओके, मेरे को कभी पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो अगर तुम प्रोफेसर रोवन के पास जाने से पहले ही अपना स्टार्टर इवॉल्व कर लो तो तुम्हें ये बोलता है। ओके इंटरेस्टिंग, यू विद दैट ओम्ब्रियन वॉज नो मिस्टेक इट सीम्स। वेल, वुड यू लाइक टू गिव इट अ निकनेम? नो ऑफकोर्स नॉट। अरे टीएम दे दिया इन्होंने हमें, वॉट? ओके वेट अ सेकेंड, लेट मी सी। यार यहाँ पर ये थोड़ा परेशान करती है हम लोग को और बोलती है कि मम्मी जी को जाके बता के आओ। यार उसके लिए पूरा घर तक जाना पड़ता है यार। बट टीएम क्या मिला है हमें? दैट्स राइट ऋषभ, ओके हाँ, बता के आता हूँ, रुक जा। ओके, हमें सीक्रेट पावर मिला है गाइस। तो टीएम में पता नहीं वो क्या देने वाला था। पोके बॉल्स तो डेफिनेटली नहीं देने वाला था क्योंकि हमें पोके बॉल्स तो शायद ये डॉन देती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पोकन प्लैटिनम का केस। ओके, मैं बैरी की मम्मी से मैप भी लेके आ गया हूँ। बैरी की मम्मी ने हमें भी मैप दिया है और उसके लिए भी एक मैप दिया है, तो वो भी उसको दे देंगे हम लोग। ओके, हम लोग पोकल्स खरीद सकते हैं क्या वैसे यहाँ से भी? ओके, थोड़ी बहुत मैंने यहाँ से भी खरीद लिया है जस्ट इन केस। वैसे तो यार डॉन दे देती है, मुझे याद आ रहा है सही से, पर ओके वी हैव बॉट सम। और यहाँ पे होपफुली कुछ हमें नए पोकन दिखाई दें क्योंकि वहाँ पे तो बस दो ही दिखे थे मेरे को। यहाँ पे देखते हैं कितने दिखते हैं नए नए पोकेमॉन। कौन सा पोकन है? बिडूफ? अच्छा ये तो वो है, कैचिंग ट्यूटोरियल वाला पोकेमॉन दिखा रहे हैं बस। नॉर्मली नहीं, बिडूफ नहीं आएगा इधर। अरे भाई बस करो यार, 697 बार देख चुके हैं हम लोग ये सब। हाँ भैया आ गई समझ में, आ गई यार, खेलने दो, पोकल्स मिलेगी। मेरे को पता था पोकल्स मिलती हैं पर खेलने नहीं दे रही मेरे को सही से। चल निकल यहाँ से, हट। अब देखते ज़रा क्या आ रहा है। यस, माय फर्स्ट इंकाउंटर ऑन दिस रूट एंड आई डोंट वॉन्ट दैट लिटिल गर्ल। एनीथिंग एल्स प्लीज? वील टेक एनीथिंग एल्स बट क्लफेरी। ओके, पाची रिशु तो वैसे भी आता ही है इधर है, मेरे ख्याल से आता है इधर पाची रिशु, काफ़ी कॉमन है। ओ भाई राइडोन आता है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो भाई। राइडोन मैं यूज़ कर सकता हूँ यार, बहुत अच्छा बंदा है यार ये तो। ओके, इसको कैच करना पड़ेगा कई समय, हालांकि इसको, ओ भाई इसको पकड़ने में बहुत टाइम लगने वाला है यार। ओ भाई, अरे नहीं, एक काम करते हैं, इसकी टील वेप करते हैं पहले, तो उसके बाद थोड़ा इसको डिफेंस कम करके उसके बाद पकड़ते हैं इसको। ओके, बट वी विल कैच इट, दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, मैं बस एक बार ट्राई कर रहा हूँ पोकल फेंकने का, इतनी ज़्यादा हेल्थ पे, मुझे पता है नहीं पकड़ में आएगा ये, पर फिर भी ओके ऑफकोर्स नहीं पकड़ में आएगा। ओके, मुझे ये नहीं पता था कि एक पोकल को पकड़ने के चक्कर में दोनों पोशन वेस्ट हो जाएंगे, पर पकड़ना पड़ेगा भाई इसको, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ओके, बिकॉज राइड ऑन हमें रूट वन पे मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। चलो अब मुझे लगता है पोकल फेंकने का टाइम आ चुका है, इसको और थोड़ा मारूंगा तो ये मर सकता है, तो मैं इस पर पोकल फेंकता हूँ और लेट्स जस्ट होप की पकड़ में आ जाए प्लीज़। नहीं, ओके, भाई इस बार ही आ जा प्लीज़। एक, दो, तीन, ओ मैन यस, क्या बात है भाई, हम लोगों ने अपना पहला पोकन कैच कर लिया है। अब हम लोग के पार्टी में दो बहुत ही ऑसम पोकन आ चुके हैं भाई। स्टार्ट बहुत अच्छी हो रही है सीरीज़ की, हमारा स्टार्टर बहुत सही है, हमारा फर्स्ट पोकन जो हमने कैच किया वो भी बहुत सही है भाई, मज़ा आ गया यार। ओके, द फर्स्ट ट्रेनर। ओके, यार इसको फेस करने के लिए मेरे पास थोड़ा हील कम है, मुझे थोड़ा हील करके आना चाहिए था, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं। ओके, मैं एक पॉसिबिलिटी देख पा रहा हूँ कि हम लोग पहले मैच में हार सकते हैं यार अपने, बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी देख पा रहा हूँ मैं यार, हम लोग को हील करके आना चाहिए था यार, थोड़ी दिक्कत हो गई, पर चलो ठीक है अब क्या कर सकते हैं। ओ वैसे कन्फ्यूज रही है, ओह दैट्स नाइस, अगर ऐसा दो बार और हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, पर मुझे तो हार्डली ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा ना। मग गया भाई ये, राइड ऑन नहीं होल्ड अप कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा ये, कुछ नहीं कर पा रहा। ओ गया, चलो पहली बैटल हम लोग हार चुके अपनी ट्रेनर बैटल, पर ठीक है पोकन सेंटर तो वापस पहुंच रहे हैं कम से कम। आ जा भाई फिर से कर ले बैटल यार, तू भी याद रखेगा, हरा दिया ना इस बार हैं? क्यों भैया, हम तो पहले ही बोल रहे थे एक बार हील करके आते ना तो पक्का काम बन जाता, पर अब नहीं कर पाए पिछली बार।
चलो और कौन आ रहा है? अरे यार ये आ रही है वैसे, मेरे को लगा कि बिग टॉक्स करता हूँ मैं, कोई आएगा तो है नहीं, बट यहाँ पे एक लड़की है। ओके चलो हील करके आते हैं थोड़ा सा और। ओ व्हाट, क्या भाई बिग डील क्या है ये, क्या व्हाट? मैं वही सोचूं क्या हो रहा है ये, अचानक से वू करके अचानक से हो रहा है कुछ तो। क्या हमें सच में डीएलगा मिल रहा है इधर? आई मीन मिल ही रहा है, ऑफ कोर्स सामने दिख रहा है मुझे, पर ये थोड़ा ज्यादा हो गया यार। मैं आराम आराम से जा रहा था, ट्रेनर्स को हराते आ रहा था, मैं डीएलगा मिल गया। ये मुझे समझ में नहीं आती बात, ये रैंडमाइजर्स में मेरा लग इतना अच्छा क्यों होता है भाई? मेरा किसी गेम में इतना लग अच्छा नहीं होता, किसी में भी नहीं, पर रैंडमाइजर्स में कैसे? और अभी यार मेरे को लगता नहीं कि मैं इसको पकड़ पाऊंगा, मेरे पास इतनी पोकेबॉल्स भी शायद ही हो यार। ओके आई गॉट रिड्यूस इज एक्यूरेसी, क्योंकि अगर इसने एक भी अटैक उसका मारा ना तो लाइक आई कैन बी डन फॉर। देखो ये इस टाइप का बंदा है ये, देखो ड्रैगन ब्रेथ मार रहा है भाई मेरे पे, ऑफ कोर्स मैं मरने वाला हूँ। एक इसकी एक्यूरेसी और कम करो भाई। तो भाई ये काम कर, चुपचाप से कोने में जाके बैठ जा, बस मैं तुझे पकड़ू उसका इंतजार कर। ओके चलो, वो मेरे को पैरालाइज कर रहा था तो उसकी वजह से वो भी पैरालाइज हो गया, ओमरियन के सिंक्रोनाइज की वजह से। बहुत सी एबिलिटी है ये। चलो अब इसमें पोकेबॉल फेंके देखते हैं, आधी हेल्थ है और पैरालाइज है तो मुझे लगता है पकड़ में ओके नहीं आएगा। नेवर माइंड नेवर माइंड भाई, प्लीज अब आ जाइयो यार, क्योंकि अब मैंने तेरी हेल्थ काफ़ी कम कर दी है यार, और मैं इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहता। क्रिटिकल हिट हो गया तो तू अब वापस तो आएगा नहीं, इसलिए प्लीज़। ऑफ कोर्स नॉट यार, एक पोकल में कौन एक्सपेक्ट कर रहा है एक डियाल्गा को पकड़ने का? ये एक बस एक कोइंसिडेंस से आ गया डियाल्गा, वरना कुछ नहीं आने वाला भाई। ये कौन आता अभी, ऐसे थोड़ा ना कभी भी आ जाएगा डियाल्गा। आ गया भाई गलती से बस, और नहीं आएगा पकड़ में भाई, मैं बता रहा हूँ, सॉरी बट गाइज नहीं आ पाएगा। तुम लोग के लिए मैं एक ब्लास्ट बार उसको मार देता हूँ जिससे उसकी हेल्थ रेड पे आ जाए, पर मुझे नहीं लगता वो काम करेगा यार, और मेरी एक लास्ट पोकल बची हुई है बस। भाई मरियो मत यार। ओके इसकी हेल्थ आ चुकी है भाई रेड पे, मेरे को नहीं लगता इससे कम में ले जा पाऊंगा, एंड आई एम गोना यूज ओके टू ऑफ माय पोकेबॉल्स नाउ। लेट्स जस्ट होप पकड़ में आ जाए, तो वो तो भाई बेस्ट ही रहता है। एक दो तीन, ओके ऑलमोस्ट, शायद हम इसको पकड़ पाएं शायद से। अगर भाई इतना हुआ है तो मुझे लगता है हो भी सकता है कि हम इसको पकड़ पाएं। लेट्स ट्राई अगेन, बिगिनर्स लक से क्या पता पकड़ में आ ही जाए। ओ वन नो, ओके तो सॉरी बट हम लोग नहीं पकड़ पाए यार इसको, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट, बट हमें अभी इसको मारना पड़ेगा। एक्सपीरियंस ऐसे काफ़ी अच्छा मिल सकता है हमें इससे, पर लाइक व्हाट कैन वी डू राइट? तो इसको काम तमाम करना पड़ेगा अपन को। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे एक और बार क्यों नहीं मारा तूने, एक ऐसे भी बच तो गया। भाई कभी कुछ नहीं बोल सकते क्रिटिकल हिट कब लग जाए, ठीक है। अब बात ये कि एक्सपीरियंस कितना मिलेगा इससे, 94 बस भाई। लेजेंडरी को मारा है मैंने, मैं भाई इधर घूम रहा था, मुझे पता नहीं कैसे अचानक से मिल गया यार वो, और हो सकता है फिर से मिल जाए अगर यहाँ पे ऐसे मिला तो मुझे। ओ एंड दे वी आर इन जुबल लाइफ सिटी, नाइस। बाय द वे यार एक चीज़ मैं बताना भूल गया, एक चीज़ बोलनी पड़ेगी यार, इस गेम का जो म्यूजिक है भाई बहुत चिल है यार। पोकन की गेम्स मैंने बोला पहले भी बहुत चिल होते हैं, और इसका म्यूजिक बड़ा चिल है सच में, इतना इतना अच्छा म्यूजिक शायद ही किसी गेम का हो पोकन का। और वैसे पोकन स्वर्ण शील्ड का भी काफ़ी अच्छा है देखा जाए तो। ओह डिटेक्टिव अंकल, ट्रैफिक लाइट्स के पीछे क्या छुप रहे हो, मतलब आई मीन सॉरी स्ट्रीट लाइट्स के पीछे क्या छुप रहे हो रे? व्हाट, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू अनमास्क मी एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल पुलिस? बस हमें सब पता है। बट आई बेग योर पार्डन, आई वॉज जस्ट मेकिंग कॉन्वर्जेशन शेडी मैन। हे ओके, इसको शेडी मैन बुला रहे हैं हम लोग अब। यू क्लेम यू आर ओनली मेकिंग कॉन्वर्जेशन डू यू, बट आई नो बेटर नॉट टू बिलीव दैट। नो 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 भाई, तू हम पे क्यों शक कर रहा है, हम लोगों ने क्या किया है भाई? फालतू की शक क्यों कर रहे हैं भाई, ये हमको पता भी नहीं तू कौन है, तू अपना काम कर, हमको क्या? डोंट बी अ थीफ वाली कहावत पता है क्या भाई? कहावत नहीं है वो, ठीक है, पर पता मुझे ज़रूर है। और पहली बात बता दूँ, हम लोग चोर नहीं है, निकल यहाँ से। ओके वीएस रिकॉर्डर दे दिया बंदे ने, ठीक है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है अगर कुछ दे रहा है हमें तो। वेल आई गेस ओके, बाद में मिलते हैं तो उससे फिर, और क्या।
लो भैया निकल पड़ा, ये तो भैया निकल पड़ा अपनी जर्नी पे। ट्रेनर स्कूल में, अरे हाँ, मैं ट्रेनर स्कूल में जाके बैरी को देना है वापस से उसका मैप। ओके, वी हैव टू डू दैट, बट उससे पहले वी आर गना हील, क्योंकि शायद से बैरी हमसे बैटल करता है। तो आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क एंड जस्ट गो टू बैरी विथ माई हील्ड पोकेमॉन। या सोचो अगर वो डीएल का पकड़ में आ जाता तो क्या होता भाई, पूरा गेम पलट जाता, पता है, पूरा गेम की पलटन हो जाती भाई, मज़ा आ जाता। मैं ओरिजिनली पोकन डायमंड ही खेलने वाला था, फिर मैं सोचा चलो खेल लेते हैं पोकन प्लैटिनम, नया वर्जन है। पर भाई मेरे को डीएल का बहुत सही लगता है यार, और डीएल का पकड़ में आ जाता ना, झक्कास हो जाता भाई। ओके, ओबर्ग में जाने को हमें बोल रहा है, पर आई गेस हम लोग अभी बाद में ही जाएंगे यार ओबर्ग में। एंड दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई डोंट नो ये छोटा एपिसोड हुआ कि बड़ा एपिसोड होगा, बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यार मज़ा आया तो लाइक मार देना यार, लाइक मारना थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है आजकल, जिससे हमारी वीडियोज़ रिकमेंड हो। तो हम लोग ज़्यादा लाइक नहीं मारते, इसलिए रिकमेंड नहीं हो पाती हैं और हमारे नए दोस्तों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर मार देना, अच्छा लगता है काफ़ी। एम करते हैं 9000 लाइक्स के लिए, कम से कम यार इतना तो बनता ही है यार, ठीक है, जिससे हमारी वीडियोज़ थोड़ी रिकमेंड हुआ करें, चैनल ग्रो हो, सब लोग खुश रहें। और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने को तो किसी को मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, करना है तो कर लेना, नहीं करना तो मत करना। एंड या गाइस दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड। थोड़े सजेशंस देने हो तो दे देना ज़रूर से, गालियाँ नहीं चलती भाई, सजेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई चल तू थोड़ी बहुत और बैटल्स दिखा दे, या थोड़ा और कम दिखा चीज़ें। तुम अगर ये सब बताना चाहो तो कोई बात नहीं है, मुझे तुम बता सकते हो, आई एम गोना वर्क ऑन दैट। सजेशन से ही चैनल आगे बढ़ता है। सो या गाइस दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।